Action. हमारे साथ मौजूद हैं इस वर्कशॉप के ऑर्गेनाइजर मिस्टर विकास। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी इस वर्कशॉप के बारे में कि आपका विजन क्या था इस वर्कशॉप को कंडक्ट करने का और आप क्या आगे प्लानिंग करके बैठे। ओके, सबसे पहले तो ये वर्कशॉप कराने का हमें केवल 3 महीने पहले ही हमने सोचा। हमारे उत्तराखंड को कहा जाता है कि ये एक फिल्म बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए बहुत अच्छा स्टेट है, बहुत अच्छे यहाँ पे ऑफर्स मिलते हैं और कुछ रियायतें भी मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर फिल्म बनाने के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो आर्किटेक्चर नहीं है। बॉम्बे की अगर बात करें तो आईआईटी में हम अगर देखें तो वहाँ पर जो बच्चे हैं मोबाइल से फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, अलग अलग फेस्ट्स में भेजते हैं, उनको प्राइज़ भी मिलता है और उनको नाम भी मिल रहा है। तो अगर ये सब हो रहा है तो हमारे उत्तराखंड में क्यों ना हो। बंगाल, मध्य प्रदेश, बॉम्बे, दिल्ली, इन जगह मोबाइल फिल्मिंग के कई ढेर सारे कोर्सेज चल रहे हैं। यहाँ पर एक आर्ट फिल्म मेकिंग वर्कशॉप के माध्यम से प्रयास रहा कि हम लोगों को जोड़ें और इसकी अवेयरनेस फैलाएं। एक तरीके से विजन ये है कि मोबाइल से सभी लोग प्रोफेशनल फिल्में प्रोड्यूस कर सकें, वो टेक्निक्स जान पाएं जिनसे वो प्रोफेशनल कंटेंट को बना सकें, अपने कंटेंट को सेल आउट भी कर सकें। उत्तराखंड में इसी तरीके से हमने पहली बार ये इवेंट किया। आए, इसमें एक्सपर्ट्स आए, डायरेक्टर आए कोलकाता से, दूरदर्शन के न्यूज़ के रिस्पॉन्डेंट आए, उन्होंने सारी बातें बताई पार्टिसिपेंट्स को कि कैसे उन लोगों ने एक प्रोफेशनल वीडियो कंटेंट बनाया जाए। मैं मुकेश कुमार पांडे हूं और वर्तमान में बरेली में दूरदर्शन समाचार संवाददाता हूं, आकाशवाणी बरेली में उद्घोषक हूं और शौकिया भी मेरा प्रोडक्शन का अपना जुनून है। ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन करता हूँ और आज यहाँ पंतनगर विश्वविद्यालय में, विशेष तौर से इस देवभूमि में, ये मुझे लगता है कि पहला इवेंट है जहाँ के मोबाइल से फिल्म मेकिंग की वर्कशॉप हुई है और यहाँ आने का मुझे अवसर मिला। यहाँ जिन प्रतिभागियों ने अपने अपने प्रोडक्शन दिखाए, डिस्प्ले हुआ, उन्हें देख के लगा कि हाँ, प्रतिभा जो है प्रत्येक व्यक्ति में अपनी अलग सीमाओं में नहीं छुपी हुई है, यह सीमित है, बहुत कुछ आगे करने के लिए इन्हें बाकी है और मेरी शुभकामनाएं हैं इन सब के लिए। मैं एक सपना है मन में जो संजोए बैठा हूं कि वो कौन सा दिन होगा जब ये हमारे प्रोड्यूसर्स जो आज प्रोड्यूसर बने हैं, विशेष तौर से मोबाइल से फिल्म मेकिंग के प्रोड्यूसर बने हैं, ये कल बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर जाएँ और इनमें से ज़रूर कुछ लोग ऑस्कर तक जाएँ, ऐसी मेरी शुभकामनाएँ हैं। आप लोगों को क्या लगता है जो वर्कशॉप है टीम क्या वो बेनिफिशियल होगा कि नहीं? जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। स्पेशली जो मेरे दिमाग में आइडिया आया था ये था कि ट्यूटोरियल वगैरह जो आजकल चल रहे हैं, एकेडमिक ट्यूटोरियल चल रहे हैं, तो उसमें इंडिविजुअल के लिए बहुत अच्छा है कि हम अपने सब्जेक्ट्स को, अपने रिसर्च को या कोई भी चीज़ को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं किसी भी लर्नर के लिए। तो मतलब
मतलब बहुत ही ज़्यादा मिल गए, तो फन भी था, लर्निंग भी थी, काफ़ी अच्छा प्रैक्टिकल आस्पेक्ट था। बहुत अच्छा लगा। पहले तो मेरे को लग रहा था कि हम किस तरह से इसको बनाएंगे, जो आइडिया ड्रॉ कर रहे थे, स्क्रिप्ट ड्रॉ कर रहे थे, तो हमें लगा कि अरे क्या बना रहे हैं बच्चों जैसा। बट आफ्टर सीइंग इवन इट्स स्क्रीन, आई जस्ट फेल वेरी वेरी गुड। इट वॉज आई नो इट वॉज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस।